तो गाइस ये मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। जल्दी भगा भाई। अरे क्या लगता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मॉर्निंग की वॉक बहुत डेंजर हुई है क्योंकि लेट हो चुका है मुझे और फटाफट फटाफट जिम पहुंचना है क्योंकि 10 बजे मुझे जिम पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आधा घंटा ही टाइम मिलता है बट यहाँ मेरे पास टाइम बहुत कम है तो फटाफट पहुंचते हैं जिम। एक्चुअल मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग में लेक्चर्स इतने बड़े हो गए कि टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया मुझे पता भी नहीं चला और टाइम बाद में देखा तो देखा बहुत कम टाइम था जिम करने के लिए। मतलब भाई जिम छूटना नहीं चाहिए इसलिए हम निकल गए जिम के लिए। सो गाइज आज करना था मुझे चेस्ट पर टाइम की कमी के कारण मैंने किया ट्राइसेप क्योंकि कल करूंगा मैं चेस्ट क्योंकि आज टाइम कम था तो चेस्ट पूरी तरह से हो नहीं पाता तो इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज को रिप्लेस कर दिया। कल मैं करूंगा चेस्ट और आज मैंने किया ट्राइसेप। अब लेने जा रहे हैं छोटे को, छोटे का स्कूल का टाइम हो चुका है, उन्हें छूटने का टाइम हो चुका है तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो ये मुझे नहीं जाना था इनको जाना था पर जबरदस्ती मुझे लेके जा रही है। धूप कितनी है तो क्या मेरे को भी कंटिन्यू अभी कितना काम करना है। 5 मिनट भी रेस्ट नहीं देती है। ये भगवान क्या जुलुम है। हाँ आज आगे सीट पे बैठने को मिलेगा। नहीं तो रोज मुझे आप बैक साइड में बिठाते थे। क्या तो पेट्रोल खत्म है क्या करने का? इतनी दूर जा सकते है तो लेके चले। वहाँ रुक नहीं सकता जाता। हाँ चले। बोलता टीचर पापा थार लाए मैं पहचान लिया। लेके जाओ ना भाई। हाँ बहुत चालाक है बहुत ज्यादा चालाक है। आ जा। बहुत चालाक है मम्मी ने। मम्मी बोली ना क्या बोली कि पापा क्या बोली दूसरे दिन की भाग दौड़ स्टार्ट होते हुए अब हम निकल रहे हैं क्लास के लिए और आज हम लोग लेके जा रहे हैं अपनी थार क्योंकि प्लान कर लिया थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम डेली थार लेके जाते हैं। क्यों नहीं लेके जाते है पता है? क्योंकि वहां प्रॉब्लम पार्किंग का बहुत ज्यादा आता है, बहुत बड़ा इशू आता है यार, इसीलिए डेली थार नहीं लेके जाते हम। ये भाई मेरे को चलाना था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम थार में यही है। और एक और टेंशन राहुल को भी आएगा पेट्रोल का क्योंकि मैं कार अभी लेके गया था। लो फ्यूल आ रहा है फिर से। लो फ्यूल आ रहा था पुराना खत्म। तू लेके गया था? ओह नो जल्दी जल्दी अगर बंद हो गया ना फिर क्या करेंगे? क्या करूँ लेके चलो कि रामने लेके चल देखते आज फटाक से भगा। सो गाइस देखते हैं हम लोग सही टाइम पे पहुंचते कि नहीं। एसी बंद कर दे। अरे पहुंच जाएंगे एसी बंद कर दे भाई भाई मर जाएंगे एसी इसके अंदर बंद करके। भी भरा लेना चाहिए था ना। पूरा आ रहा है लो 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 जल्दी। सो गाइस देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। जल्दी भगा भाई। अरे क्या लगता है पहुंच जाएगा? गियर ज्यादा चेंज मत करो। आज तो मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया है गाड़ी बंद करने। सच में गाइस इतना टेंशन आ रहा है ना क्योंकि आज तक हमारी कभी किसी कार का डीजल खत्म ही नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डीजल खत्म होने का। बंद हो रहा है लग रहा है मेरे भाई ऐसा टर्न पे बंद हो गया था क्या करेगा फिर। जल्दी 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 पूरा स्टर्निंग जल्दी 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 आप फाइनली पहुंच गए हैं। अब तो इतना टेंशन नहीं है। इसका किस साइड? इसी साइड है ना। फाइनली पहुंच गए। राहुल अगर पहुंच नहीं पाता तो
नहीं पहुंच पाता तो नहीं पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, पाठक को बुलाना पड़ता। जस्ट अभी यहाँ आए और यहाँ भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि लाइट ही नहीं है, और आज लाइट है ना बहुत जरूरी था। क्या बोलते हो आज लाइट ही नहीं आज, और लाइट नहीं रहेगा तो यार क्लास में बैठना ना, मतलब इतनी गर्मी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इस समय बहुत ज़्यादा धूप है। विदाउट एसी तो बच्चे बैठ ही नहीं सकते, ऐसा हाल है। देखो पूरे ओसवाल में आज लाइट नहीं है और ये बहुत बड़ा इशू हो गया गाइस। इशू मतलब कि आज कैसा हो गया, बच्चों को आधा घंटा पहले हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि गाइस इन्वर्टर पे जितना चल पाया क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी और एक क्लासरूम के अंदर चार से पांच लाइटें, तीन से चार फैन, इसको चलाना बेचारा इन्वर्टर ने जान दे दिया। और फाइनली एक दो क्लास हमने आधे घंटे पहले छोड़े और बाकी क्लास को कंटिन्यू हमने करवाया। तो गाइस ये मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, वैसे बोला जाए तो मेरी है बट अपने फ्रेंड की न्यू कार। ये तो हमेशा का कांग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू। कलर का तो कॉम्बिनेशन बहुत भारी है। तो गाइस फाइनली न्यू कार का एक सफर पे चलते हैं, दोस्त के साथ डेटिंग वेटिंग तो हम जाते नहीं है, अपनी डेटिंग यही है, यहीं से यहाँ निकलते हैं। भाई की नई कार है और कार की तो भरमार है यार। ये तो ट्रेलर है, अभी बाकी चीजें मैं दिखाऊंगा तो मजा ये देखो क्या होता है। जो अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, एक मोटिवेशन होता है, हार्डवर्क करोगे तो चीजें आपके लिए चीजें बहुत बड़ी नहीं हो जाती, बहुत छोटी हो जाती है, और ड्रीम्स बहुत बड़े नहीं होते, छोटे हो जाते। इसलिए कंटिन्यू हार्डवर्क और मेहनत करते रहो गाइस। बोलो भाई आप कुछ बोलना चाहते हो? जो भाई ने बोला है वही फॉलो करना है, और अगर आप स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है कोई भी, आपको कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए कंटिन्यू उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और रेगुलरली उस पर फोकस करना चाहिए, चीज ऑटोमेटिक होने लगती है, चीजें बड़ी नहीं होती, हार्डवर्क बस करने की कमी है। सो फाइनली गाइस हमने एक लॉन्ग ड्राइव ले लिया और मजा तो बहुत आया। और बाकी मैंने बोला पिक्चर है ये, बहुत सारे ट्रेलर दिखाया जाएगा धीरे धीरे क्या क्या है। प्लीज कमेंट करना ये कौन सी कार है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूँ, कमेंट जरूर करके बताना। इसके अंदर चॉकलेट गाड़ी के अंदर ही है, चॉकलेट तो मना किया बाबू मेरे को, सुबह मना किया। मलाई